एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोना। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे जूट रोप बास्केट फॉर प्लांटर। तो आप ये बास्केट देख रहे हो जिसमें मैंने मेरा एक एरिका पाम का एक छोटा सा प्लास्टिक पॉट रखा हुआ है। तो ये मैंने DIY किया है जिसमें खाना पैक होके आता है। जो पैकिंग वाले होते हैं वो प्लास्टिक कंटेनर से या फिर आप किसी और भी प्लास्टिक के कंटेनर से ये DIY बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने इस टाइप का बड़ा वाला कंटेनर लिया है। अब इसका ऊपर का पार्ट हम कट कर लेंगे। अब ऊपर का पार्ट कट हो जाने के बाद हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं, कुछ इस तरह से। और सभी कट एक ही साइज के हो इसलिए हम पेंसिल से मार्क कर लेंगे। अब मार्क पर कट लगाकर कुछ इस तरह से काट लेना है। मैंने यहाँ पर टोटल 15 कट लगाए हैं। ध्यान में रखें कि कट हमें 1 के रेशियो में ही लगाने हैं। अगर आपके पास छोटा कंटेनर है तो आप उसके हिसाब से ही 1 के रेशियो में ही रखें ताकि सभी को हम जूट रोप से कवर कर पाए। अब कुछ इस तरह से मैंने सभी कट लगा दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर जूट रोप का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मैक्रेम या अलग कलर के थ्रेड जो आते हैं वो वाले भी ले सकते हो और उसकी नोड बनाकर अंदर की ओर फंसा देनी है, कुछ इस तरह से। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब कुछ इस तरह से एक ऊपर की तरफ से लेना है और एक नीचे की तरफ से, और इस रोप को लपेटते जाना है। और हम जैसे ही इस तरह से लपेटते जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छी डिजाइन बनती जाएगी। आपको तो पता ही होगा कि रोप बास्केट बहुत ही ट्रेंडी है। मैंने ऑनलाइन भी देखा पर बहुत ही एक्सपेंसिव थे, तो आइडिया आया कि हम क्यों ना इसे DIY करके बनाएं। और हमारे घर में ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिसे हम डेकोरेटिव पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो ऊपर का पार्ट है उसे कवर करने के लिए मैंने इसी जूट रोप की गूंथकर चोटी बना ली है और इसे इस तरह से ग्लू गन से स्टिक कर लेंगे। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं पर मैं इसे थोड़ा और डेकोरेट करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर पोम-पोम लेस का यूज किया है। आप इसके बदले टेसल्स या फिर सिंगल पोम-पोम भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी मटेरियल हो उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारी ये बास्केट बनके रेडी है एंड इट्स टर्न्ड आउट रियली ब्यूटीफुल। मैंने प्लांटर के लिए बनाया है तो थोड़ा बड़ा कंटेनर लिया है। अगर आप थोड़ा छोटा कंटेनर लेते हो तो उसे एज अ फ्लावर वास यूज कर सकते हो या फिर किचन में आप स्पून होल्डर में भी यूज कर सकते हो। और इस तरह से छोटा सा पॉट रख के इसे कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हो। और आप लोगों को ये DIY कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।